Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उज्जैन पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर द्वारा जिले में माफियाओं व अड़ीबाजी करने वाले बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़नगर पुलिस द्वारा आम लोगों से अड़ीबाजी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार। उनसे एक पिस्टल व चार जिंदा राउंड एवं साथ ही साथ स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। देखिए पूरी खबर तेलगा इंडिया न्यूज पर। बड़नगर से महेश सोनगरा के साथ। अड़ीबाजी करने वाले अवैध वसूली करने वालों को पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि पूरे प्रदेश में इस समय माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसी के तहत उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन अतुलकर सर के नेतृत्व में बड़नगर में भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में थाना बड़नगर के TI साहब द्वारा एवं इनकी टीम के द्वारा दिनांक 18 तारीख को जो एक FIR जब्बार ने करवाई थी, जिसमें उसे धमकाया गया था, उस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी मोइनुद्दीन और सद्दाम इन दोनों से पूछताछ कर रही और इनके बारे में जानकारी निकालते मालूम पड़ा कि ये काफ़ी शातिर किस्म के बदमाश हैं। हम अड़ीबाजी डालने में बड़ी इनकी बदनामी है, बड़ी बुरी शोहरत है इन लोगों की। इसी के तहत एक स्कॉर्पियो जो कि इन लोगों ने इसी तरह से अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले रखी थी और डरा धमका करके वो जब्त की गई है। पूर्व में इन दोनों में से एक आरोपी सद्दाम के पास से एक पिस्टल जब्त हुई है। इनका एक साथी नाजिम अभी फरार है, जो भी अवैध जिसके ऊपर भी अवैध हथियार रखने की शोहरत है, इसकी भी तलाश की जा रही है।